हेलो एवरीवन, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? चलो, रिवीजन चल रहा है? नियम रिएक्शन सारा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो डेली उसको रिवीजन करो, ठीक है? हाँ, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो डेली नहीं तो अल्टरनेट डे तो जरूर किया करो रिवीजन, ठीक है? अच्छा, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया नियम रिएक्शन, मीटिंग रिएक्शन। इससे एल्कीन की सिंथेसिस होती है फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। दिस रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन is treated with इसके साथ एल्काइलिडीन डीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन फॉस्फोरेन। इसको वीटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। नेम रिएक्शन जो भी है सारे डिस्कवरर के नाम पे है, नहीं? जो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया है उसी के नाम पर है। वीटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इट ट्रीटेड विथ एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन to get alkene, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले करना क्या है, वीटिंग रिएजेंट बनाना है, उसके बाद उसको एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट करना है। इसके लिए हम लेते हैं ये हुआ फिनाइल C6H5 ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, ठीक है? इसको एल्काइल हाइड से ट्रीट कर दिया। इस पे लोन पेयर है, ये फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 यहां कॉन्फर्मेशन भाग लिया और ये लोन पेयर, तो ए बनाएगा C6H5 ये कैसा कंपाउंड हुआ? अमोनिया भी बनाता है, नहीं? अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड हुआ, उसी तरह से भी है। क्या हुआ? मिथाइल या फिर ट्राइफिनाइल मिथाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। क्या हुआ? ट्राइफिनाइल मिथाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फोनियम NiUgl में ब्रोमाइड, ये बन गया। अब देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इसलिए अब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करेंगे। इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या लेंगे? सोडियम एमाइड लो आप, सोडियम हाइड्राइड लो, या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, नहीं? क्या क्या लेंगे? सोडियम एमाइड या फिर सोडियम हाइड्राइड या फिर ऑर्गेनो
पोटेशियम कंपाउंड। उससे ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो गया, ट्राइफिनाइल ये हो गया फिनाइल लिथियम, नहीं तो ये लिथियम डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है इसलिए हो गया ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बनेगा, ये हो गया आपका 6H5 PH2 PH2 plus C6H6 बेंजीन बन जाएगा एंड LiBr। ये क्या है, यही है विटिंग रिएजेंट, नहीं ये इलाइड हो गया है, नहीं इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलाइड, नहीं ये विटिंग एजेंट हो गया, एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या हुआ, मिथाइल ट्राइफिनाइल मिथाइल फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फिनाइल लिथियम से ट्रीट किया था, LiBr निकल गया, ये के अल्फा हाइड्रोजन इससे कंबाइन किया, ये बेंजीन बन गया, बाकी बचा यहां CH2, तो ये हो गया। अब इसको ट्रीट करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन से, ये सीटोन है, ट्रीट कर दिया विटिंग रिएजेंट से, सिंपली ये ऑक्सीजन यहां पे अटैच हो जाएगा और CH2 यहां पे, तो CH3 और क्या बना, C6H5 3P2, नहीं ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, इस सब का नाम जानना जरूरी है, वहां पूछ देता है, तो कभी कभी हम यहीं पे रह जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या बना, लेकिन साइड प्रोडक्ट का भी नाम जानना जरूरी है, क्या है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, फॉस्फोनियम ऑक्साइड, राइट बन गया और ये एल्कीन बन गया। ये देखो ये जो ग्रुप है इसको अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी ये स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग, और ये जो हम एल्काइल हाइड्रेट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्काइल हाइड्रेट ले रहा है। लिखो इसको, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म
किसी भी चीज को अच्छी तरह से आराम से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। नहीं, सबसे पहले तो आप शांत से बैठो, फिर जो भी पढ़ना है या तो बुक से पढ़ना है, वीडियो से पढ़ना है, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। मैकेनिज्म उसका क्या है? मीटिंग रिएजेंट है, ये क्या हो गया? ये कार्बेडाइन बन गया, ठीक है। कार्बेडाइन बना मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल हो गई। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे करेगा। और इसका ये रेजोनेंस फॉर्म है, तो यहां क्या है वैलेंसी? फास्फोरस की फाइव, नहीं तीन तो ये फिनाइल हो गए और दो ये। अच्छा ये ध्यान है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथी सारे एक ही ग्रुप में है। नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं, कहीं देखा बुक में? कहीं नहीं। लेकिन फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। ऐसा इसलिए बनाता है क्योंकि फास्फोरस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 3s2, नहीं टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 15, 2, 8, 5, नहीं 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद लास्ट में 3 में गया, 3s2, 3p3, ठीक है। और 3d vacant, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है 3, वो एकोमोडेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए 5 बॉन्ड बनता है। लेकिन नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3, 2d नहीं होता है, तो d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वो NCl3 ही बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये वैकेंट d ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर रहा है, इसलिए ये स्टेबलाइज हो गया। अब ये अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा? साइक्लोहेक्सामोन, CH2 P C6H5, थ्री ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नहीं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये यहां पे अटैक मारेगा, ठीक है, अटैक तो मारेगा। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको फेवर करेगा? एक तो कार्बोनिल कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो तो इसको इनहांस करेगा। यहां पर H के बदले में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड हो तो इस नेगेटिव चार्ज को इनहांस करेगा, डीस्टेबलाइज तो करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बने, राइट। तो यहां पर H के बदले में अगर अल्काइल ग्रुप आ गया तो ज्यादा अच्छा है, अगर कार्बोनिल आ गया तो वो डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब चलो अब क्या बन जा रहा है?
ये बन गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका, होगा क्या ये साइक्लिक, क्या बन गया साइक्लिक फोर सेंटर्ड टी, फोर सेंटर्ड ये इंटरमीडिएट नहीं है, क्या है ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक फोर सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट सन स्टेट, ठीक है। इसको बीटेन भी बोलते हैं, टाइप ऑफ बीटेन, BETAINE। आप पढ़ोगे बीटेन किसको बोलते हैं, हर एग्जाम में दो तीन नया वर्ड होता है जिसके कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता अगर आपको पता नहीं है, तो वैसे ही है बीटेन। बीटेन क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नहीं ये डलिक होता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे, ये आपका टास्क रहा, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ बीटेन। अब क्या होगा, यहां तो हुआ, यहां क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहां से टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया, तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया। इस पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहां एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहां ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड का बनना है ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का, क्या बोला, फास्फोरस ऑक्सीजन का के बीच जो बॉन्ड बन रहा है यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, रेट डिटरमाइनिंग नहीं बोल रहा हूं, ड्राइविंग फोर्स है। अब क्या बन जाएगा, और ये हो गया आपका एल्कीन हो गया, और ये क्या हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, समझ में आया, एक बार और समझ लो आप मैकेनिज्म क्या है, ये है विटिंग रिएजेंट, नहीं एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, ये रेजोनेंस सिस्टम लाइट है, देखो ये तो ये इलेक्ट्रॉन कहां एक्युमुलेट हो रहा है, फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में, ये जो बॉन्ड बन गया तो कहां बन रहा है, फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में जो कि वैकेंट ऑर्बिटल था, तो ये अब ये हो गया कार्बन आयन, इस कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अगर हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से अटैच कर दे, रिप्लेस कर दे सॉरी, या फिर कोई और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो इस रिएक्शन को इनहांस करेगा, या फिर इस कार्बोनिल कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दे तो भी रिएक्शन को इनहांस करेगा, ठीक है। तो फिर ये अटैच हो गया CH2 ग्रुप, और ये फिर फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, ये टाइप ऑफ बीटेन। फिर ये फास्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया विच इज द ड्राइविंग फोर्स इन दिस रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। और ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन फास्फोरस बॉन्ड टूट रहा है और ये फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है, एंड विल गेट द एल्कीन। लिखो आप इसको, फिर फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं, या पहले एग्जाम्पल देख लो या स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या देख लूं पहले, स्टीरियो केमिस्ट्री
स्टेडियो केमिस्ट्री आ रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है या कट रहा है? हो रहा है। हाँ, स्टेडियो केमिस्ट्री देखो आप। इथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है। अब क्या होगा, ये हट जाएगा और CH2 इससे अटैच हो जाएगा। CH5 अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नहीं अगर इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप अटैच्ड है यहां या यहां, तो ये सिस फॉर्म देगा, ठीक है, या फिर जेड। अगर ये ग्रुप डिफरेंट है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिस। और अगर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो ये ट्रांस देगा, ये निकल गया यहां से और ये ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ये कॉन्फ़िगरेशन ये ट्रांस, क्लियर है। जब यहां पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ मतलब कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, नहीं न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बोनेसिटी को बढ़ाने वाला अगर ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो फिर क्या बनेगा, सिस जेड कॉन्फ़िगरेशन, अगर डिफरेंट ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये, तो फिर ट्रांस बनेगा। दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक और इंपॉर्टेंट, अगर इसको फिनाइल ग्रुप से अटैच कर दो, रिप्लेस कर दो सॉरी मिथाइल को, तो फिर बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिव होगा और सॉरी रिएक्शन ही नहीं देगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ वीटिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल लो आप, दो कार्बोनिल ग्रुप है, ये हुआ विटिंग एजेंट,
ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लो, फिर ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और आपका यू विल गेट द प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर? ठीक है, चलो और देखते हैं। अच्छा, कई बार ना बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दे देगा, क्यों देता है? देख करके हम घबरा जाए, नहीं हम घबरा जाए इसलिए वैसा देता है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको अपने काम से मतलब है। हमको केवल अपने काम से मतलब, इसको प्लस क्या कर दिया, C6H5 3 meeting reagent। तो क्या होगा इस ग्रुप में, कार्बोनिल कार्बन देखो ये है, तो हमको इसी से मतलब है, राइट? यहां पे CH2 अटैच कर देना है, कई बार कुछ कोई डबल बॉन्ड बनाना रह जाता है, नहीं गलती से, तो वो समझ लेना, अंडरस्टूड है वो सब, कि गलती से छूट रहा हुआ है, जानबूझ के नहीं, राइट? हो गया, कार्बोनिल कार्बन की जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट? अब ये क्वेश्चन है उसको बनाओ। एक क्वेश्चन है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन आयन जेनरेट नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, कार्बन आयन इतना तो होना चाहिए कि इस पर अटैक करे, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट वीटिंग रिएक्शन, समझ में आया? नहीं आया तो दो बार देखना है वीडियो को और आराम से देखना है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है, और अगर पसंद आया वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है या लाइक करना, अगर पसंद में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।